ये नदी नाले बड़े बड़े पेड़ों को और बोल्डरों को भी बहा ले जाते हैं। ऐसे में गाड़ियां भी उनके सामने कोई बिसात नहीं है। ये वही स्थान है जहां पर आज सुबह 10 पर्यटकों को ले जा रही कार इस नदी में ढीला नदी में बह गई। नैनीताल के रामनगर में रामनगर कोटद्वार रोड पर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढीला जोन में शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे पंजाब के पर्यटकों की एक कार ढीला नदी में समा गई। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है। इस मामले में चश्मदीद का बयान भी सामने आया है। चश्मदीद ब्रह्मपाल का कहना है कि उन्होंने कार सवार पर्यटकों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो लोग नहीं माने, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया और 9 लोगों की जान चली गई। मैं यहाँ खड़ा था गाड़ी ले हुए, मैंने हाथ लाया, लाइट हमारी डबल गाड़ी ने रोकी। अब गाड़ी जा रही तो क्या हुआ? कार में रामनगर की 2 बहनें भी सवार थीं, जिनमें से एक बहन की जान बच गई है, उसका इलाज जारी है, जबकि दूसरी बहन की जान चली गई। मरने वालों में 6 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। ढीला नदी पर पुल नहीं बनने से अभी तक अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। बहरहाल पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर कार ड्राइवर ने ब्रह्मपाल की बात मान ली होती तो 9 लोगों की जान बच जाती। बरसात के समय ये नदी नाले पहाड़ों में भयानक रूप ले लेते हैं। ये नदी नाले बड़े बड़े पेड़ों को और बोल्डरों को भी बहा ले जाते हैं। ऐसे में गाड़ियां भी उनके सामने कोई बिसात नहीं है। ईटीवी भारत पहाड़ों में यात्रा कर रहे पर्यटकों से अपील करता है कि उफनते नदी नालों को पार करने में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा संयम दिखाएं, क्योंकि जान है तो जहां है। ईटीवी भारत के लिए रामनगर से कैलाश सुयाल की रिपोर्ट।